श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा श्री के सत्य नारायणा द्वारा यातायात व्यवस्था में लगे कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्य सरकार में लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्यवाही की गई। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा के आदेश अनुसार परिक्षेत्र के समस्त जनपदों में यातायात व्यवस्था एवं जाम की समस्या को दुरुस्त रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद बांदा में परिक्षेत्रीय पुलिस टीम के द्वारा गोपनीय तरीके से बांदा शहर में भ्रमण कर रिक्शा स्टैंड एवं बैरियर तथा चौराहे पर लगाई गई पुलिस ड्यूटी को चेक किया गया, जिसमें अशोक लाड चौराहे से संकट मोचन मंदिर के आसपास सब्जी व फल के ठेले एवं ई रिक्शा रोड में खड़े पाए गए, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। जिसके संबंध में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की जानकारी की गई तो पता लगाया गया कि थाना कोतवाली नगर से कांस्टेबल नागरिक पुलिस व यातायात ट्रैफिक पुलिस से हेड कांस्टेबल शिव कुमार गौतम की ड्यूटी लगी है। परिक्षेत्रीय पुलिस टीम चेकिंग द्वारा चेकिंग करने में अशोक लाड चौराहे से संकट मोचन मंदिर के पास ड्यूटी पर लगे दोनों कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य सरकार को करने में लापरवाही उदासीनता बरतने पर पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान में लेकर उक्त दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपने कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं एवं यह भी निर्देशित किया गया है कि ड्यूटी पर लगे सभी कर्मचारियों को अवगत कराया जाए कि भविष्य में जिस भी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों के निर्वाहन में शिथिलता व लापरवाही की जाएगी उनके खिलाफ कठोर दंडनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।